नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त आया हूँ जोधपुर स्थित वीर दुर्गादास राठौड़ उद्यान में। आइए देखते हैं किस प्रकार का बना हुआ है। ये यहाँ की पार्किंग है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पर। तो आइए चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं किस प्रकार का बना हुआ है ये उद्यान। सामने कैंटीन है और ये यहाँ पर श्री वीर दुर्गादास राठौड़ स्मारक लिखा हुआ है। और ये वो टावर है जो मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है। ये सामने गार्डन बना हुआ है, आइए देखते हैं। ये यहाँ पर इस पार्क के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है। चलते हैं अंदर की ओर। ये सामने बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, काफी सारे झूले हैं यहाँ पर। ये सामने कुछ लोग भी हैं, काफी बड़ा पार्क है और काफी शांत जगह है। अगर आप जोधपुर सिटी में एकांत ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आएं, ये जगह आपको पसंद आएगी। जब भी आप बाबा रामदेव जी के मंदिर आएं तो यहाँ पर ज़रूर आएं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में झूले लगा रखे हैं और सामने शायद सनसेट पॉइंट बना रखा है। देखते हैं आगे। यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। काफ़ी बड़ी जगह है यहाँ पर। चलते हैं आगे। काफ़ी शांत प्लेस है, लोग आ जा रहे हैं। चलते हैं आगे की ओर। सामने जोधपुर सिटी दिखाई दे रही है और ये सनसेट व्यू। सूर्य अभी अस्त होने ही वाला है। काफ़ी खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। लोग यहाँ पर सूर्य अस्त होता हुआ देखने के लिए आते हैं। और ये टावर, जब भी आप जोधपुर शहर की कोई पिक्चर देखते हैं तो मसूरिया पहाड़ी के ऊपर ये टावर जरूर दिखाई देता है उसके अंदर। आइए आगे से देखते हैं सिटी, ऊपर से जोधपुर सिटी कैसी दिखाई देती है।
तो ये है पूरी जोधपुर सिटी, यहाँ से दिखाई दे रही है ब्लू सिटी। जोधपुर को ब्लू सिटी और सूर्य नगरी भी कहते हैं। चलिए, यहाँ पर वीर दुर्गादास राठौड़ की बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है, उस ओर जाते हैं और उस मूर्ति को देखते हैं। यहाँ पर इस पार्क के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है, आइए देखते हैं। ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई दूरबीन लगी हुई थी पहले, जिससे आप मेहरानगढ़ और उम्मीद भवन पैलेस यहीं से निहार सकते थे। बड़ी सी दूरबीन लगी हुई थी यहाँ पर, अब शायद नहीं है। काफ़ी खूबसूरत पार्क बना रखा है यहाँ पर। शांत प्लेस है, टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं। वो सामने जोधपुर का बरकतुल्ला खान स्टेडियम है, यहाँ पर आईपीएल में क्रिकेट के मैच वगैरह होते रहते हैं। सामने मूर्ति है श्री वीर दुर्गादास राठौड़ की। जोधपुर सिटी में ये मूर्ति दूर से ही दिखाई देती है। जब भी आप जोधपुर सिटी के कोई फ़ोटो वगैरह देखते हैं तो उनमें ये मूर्ति ज़रूर दिखाई देती है। काफ़ी भव्य बनाया गया है इस मूर्ति को। इस मूर्ति का उद्घाटन श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों से हुआ था। सामने ताला लगा हुआ है, शायद इसके अंदर नहीं जा सकते। और ये यहाँ पर इस मूर्ति के बारे में, इसका उद्घाटन किस प्रकार से हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ है। ये यहाँ पर गेट पर ताला लगा है। काफ़ी बड़ी और खूबसूरत मूर्ति है। यहाँ पर ताला लगा हुआ है इसलिए अंदर तो नहीं जा सकते, इसीलिए मैं आपको दूर से ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये था जोधपुर स्थित वीर दुर्गादास राठौड़ उद्यान का वीडियो। वीडियो को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल मरुधर यात्री को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलता हूँ आगे एक और नई जगह के साथ और एक और नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहें। धन्यवाद आप सबका।